बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के कार्यकाल को एक साल आज के दिन पूरा हो गया और कार्यकाल की सफल पहली वर्षगांठ पर बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वी डी शर्मा को घर पहुंचकर बधाई भी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का एक साल में कई कमाल, सरकार बनवाई, उपचुनाव जिताया, ये गलबहियां, बधाइयों का दौर, मिठाइयों का भोग, आखिर हो भी क्यों न। आखिरकार एक साल में वीडी शर्मा ने न सिर्फ बीजेपी की सरकार बनवा दी बल्कि उपचुनाव में बम्पर जीत से सरकार को और मजबूत कर दिया। कांग्रेस को भी एक बड़ा डेंट देते हुए सिंधिया गुट को पार्टी से जोड़कर पार्टी की ताकत बढ़ा दी। तभी तो देखिए कैसे सीएम शिवराज खुद गुलदस्ता लेकर प्रदेश अध्यक्ष के घर सुबह सुबह पहुंच गए, गुलदस्ता दिया, गले लगाया और मिठाई खिलाई, फिर जमकर तारीफ की। उनका एक वर्ष का ये कार्यकाल पार्टी के लिए स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बीडी शर्मा जी को बधाई भी देता हूं और यशस्वी हूं और भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन हिंदुस्तान में, लेकिन आइडियल संगठन और सरकार मध्य प्रदेश में चला, ये हमारा संकल्प। शिवराज के पीछे पीछे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंच गए और उन्होंने भी वीडी शर्मा को बधाई दी। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसके अनुरूप काम करने की कोशिश की है, मगर जिस तरह से उपचुनाव में जीत दर्ज की गई है उससे भी प्रचंड जीत निकाय चुनाव में बीजेपी की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक साल पूर्व मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने ये प्रयास किया है कि जो काम, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तो इस दौरान मैं उस जिम्मेदारी के अनुरूप बन सकूं, यही मैंने इस प्रकार के प्रयास अपने काम के अंदर कि हम इस रूप में बन सकें। अध्यक्ष बनना जिम्मेदारी तो मिल जाती है लेकिन उसके अनुरूप बनना बहुत आसान नहीं होता, तो ये प्रयास मैंने इस एक साल के अंदर किए हैं। वीडी शर्मा ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए तैयार हूँ, पार्टी के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस एक साल में सिंधिया समर्थक भी आए और अच्छी खासी तादाद में आए, उनको भी मैनेज करना, बीजेपी के भी पहले से ही लोग। देखिए सिंधिया समर्थक जो लोग आए, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी, अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो समरस हुए हैं, वो समरस होकर के सब मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब उसकी जो ताकत और बढ़ी है, ऐसे मिलकर के सब एक साथ होकर के काम कर रहे हैं। सिंधिया जी भी हमारे बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश में हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश भाजपा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल, अब निकाय चुनाव करीब हैं, जिस तरह से लकी साबित हुए आप अब तक, इस बार के भी चुनाव में शुभ साबित? कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर लड़ती है और उन्हीं के आधार पर जीतती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम इन चुनावों को जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।